Good morning, everyone. Very good morning to all of you, and welcome to India's largest learning platform, that is obviously an academy. So, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा introduction, as usual. So, my name is Anurag Sharma, and I'm having a teaching experience of more than 8 years for the field of UPSC and state PSCs. My subjects are geography, polity, and economy, and I'll be training you all for these subjects. My core areas are prelims, mains and optional. Optional batches अलग से रहेंगे. ठीक है, यहाँ पर अपन GS level पर prelims और mains दोनों की तैयारी कर रहे हैं. मेरा graduation जो हुआ है वो हुआ है MRSC देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से, और मेरा मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क जो है वो MPBU भोपाल से. आपके सामने ये टेलीग्राम की लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल की, तो प्लीज़ इसको ज्वाइन करें, क्योंकि आपके और मेरे बीच का सबसे वाइटल लिंक टेलीग्राम चैनल ही है. जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूं, जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, वो सारा सब कुछ कम्युनिकेशन इसी चैनल से होगा. ठीक, साथ ही साथ ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक भी है, आप इस पर भी क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं. ठीक, ताकि आपको जो स्पेशल क्लासेस हैं, कौन कौन से लेक्चर्स हैं, उनके बारे में आपको नॉलेज या आइडिया होता रहे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. भाई अनअकैडमी पे आपको क्या क्या मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डेली लाइव क्लासेस. ठीक, और कॉम्प्रिहेंसिव लाइव क्लास मिलती है आपको. लाइव क्लास में आप अपने एजुकेटर से क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, एंगेज हो सकते हैं, डिस्कशंस में पार्ट कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, और जो पोल्स या जो क्वेश्चंस वो पूछते हैं उनको आंसर कर सकते हैं. ठीक है, लाइव क्लासेस आर बेटर देन रिकॉर्डेड वन, ऑब्वियसली बात है. आपके पास रिकॉर्डेड क्लास का भी ऑप्शन है, अगर आप लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते किसी कारण से, तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं. ठीक है, फिर आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, स्ट्रक्चर कोड जो कि आपके एग्जाम के हिसाब से डिजाइंड है. ठीक, कोई भी फालतू चीज़ें अपन नहीं पढ़ाई है उसमें. सिलेबस आपका जो रहेगा वो आपके सिलेबस के हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कोर्स रहेगा. ठीक है, फिर लाइव टेस्ट और क्विजेस मिलते हैं आपको. तो एक बहुत बड़े स्केल पर आपको लाइव टेस्ट में और बहुत सारे स्टूडेंट से कम्पीट करने का मौका मिलता है. सॉरी, तो ये सारी फैसिलिटीज आपको अनलिमिटेड वे में आप एक्सेस कर सकते हैं, कभी भी कहीं भी. ठीक है, इसके लिए केवल आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है. यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारा रिसोर्स अवेलेबल रहेगा. ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केवल मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्रिप्शन करना ही है, यहाँ पर बहुत सारा फ्री रिसोर्स भी अवेलेबल है. ठीक है, बहुत सारा जो डाउट्स क्लियरिंग और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं जो आपको अवेलेबल रहेंगे. ठीक, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही ऐप डाउनलोड करने को मिलेगी, नहीं, आप ऐप डाउनलोड करें और बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं आप. ठीक है, और इंटरेक्ट भी कर सकते हैं फैकल्टीज से, बिल्कुल. तो इसको डाउनलोड करें ऐप को, यदि आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो गूगल प्ले से, एप्पल यूज़र तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और पढ़ाई स्टार्ट करें. ठीक, फर्दर आगे बढ़ते हैं. तो आपको यहाँ अनअकैडमी पे पढ़ने का मौका मिलता है, ऑल इंडिया जो फैकल्टीज हैं, ऑल इंडिया लेवल की फैकल्टीज से पढ़ने का मौका मिलता है, और इनका जो एक्सपोजर है आपके एग्जाम के प्रति, जो एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी बेहतर है. ठीक, और मतलब लगभग सभी स्टूडेंट्स जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं वो इन फैकल्टीज को जानते हैं ऑलरेडी. ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर कवरेज जो है आपके सिलेबस का, वो कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज है. ठीक, ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म या शॉर्ट में अपन निपटा रहे हैं, खासकर जो आपका एग्जाम है यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसमें जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं, है ना, उसके तमाम कोर्सेज, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, बहुत सारे फैकल्टीज आपको पढ़ा रही हैं. ठीक, तो जिस भी फैकल्टी से आप ट्यून्ड अप होते हैं, आप उसका कोर्स देख सकते हैं पूरा. ठीक, तो और यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज है भाई, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जाम है, है ना, ये केवल फैक्चुअल बेस्ड वाला फैक्चुअल एग्जाम नहीं है, अंडरस्टैंडिंग वाला एग्जाम है. तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज रहेगा. ठीक है, तो देखिए जो कोर्सेज यहाँ पे चलते हैं वो दो प्रकार के हैं, एक प्लस कोर्स है, एक आइकनिक कोर्स है. ठीक, प्लस कोर्स में जो फैसिलिटीज़ हैं आपकी, जब ये प्लस कोर्स बेसिक कोर्स है, ठीक है, तो इसमें लाइव क्लास आपको मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने को मिलेगी, और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल मिलेगा. ठीक है, तो इस क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना. यदि आप न्यू स्टूडेंट हैं तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि भाई आप लॉन्ग टर्म कोर्स ज्वाइन करें, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स और 36 मंथ्स. और अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हैं तो आप रिवीजन के दृष्टिकोण से, है ना, आप 1 मंथ, 3 मंथ और 6 मंथ कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक, जब भी आप कोई कोर्स ज्वाइन करें, मेरा जो कोड है एजुकेटर कोड वो है अनुराग 27, और इस कोड को आप याद रखें,
कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट इंस्टेंटली मिल जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जो आइकनिक कोर्स है, ठीक है, प्लस कोर्स तो बेसिक कोर्स हो गया, आइकनिक कोर्स थोड़ा सा स्पेशलाइज कोर्स है, ठीक है, इसमें 12 मंथ, 24 मंथ और 36 मंथ के वेरियंट्स अवेलेबल हैं। ठीक, इसमें जो जो प्लस कोर्स में जो फैसिलिटीज आपको मिल रही हैं वो तो मिलती ही हैं आपको साथ में, साथ ही साथ आपको एक पर्सनल कोच भी अपॉइंट होते हैं, है ना, और ये पर्सनल कोच आपकी प्रोग्रेस पर पर्सनली नजर रखेंगे, ठीक है, और डेली आपको मेंस के क्वेश्चन आंसर राइटिंग करवाएंगे, ठीक, उनको चेक करेंगे और पर्सनलाइज फीडबैक भी देंगे, ठीक, मतलब प्योर वॉच जो आपका प्रोग्रेस रहेगी उस पर रहेगा। ठीक, तो यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा, ये कोड ध्यान रखिएगा, 10% डिस्काउंट, ठीक, डिस्काउंट जन अधिकार है भाई, भारतीयों का पता है आपको, 10% डिस्काउंट के लिए अनुराग 27 कोड याद रखिएगा। ठीक, फर्दर अपन आगे बढ़ते हैं, तो जिस प्रकार से जीएस कोर्स के बारे में अपन डिस्कशन करा है उसी प्रकार ऑप्शनल कोर्सेज भी हैं। ठीक, तो इन ऑप्शनल कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो भी आपका ऑप्शनल यूपीएससी में आपने चूज किया है, क्योंकि बिना ऑप्शनल की प्रिपरेशन, अच्छे से प्रिपरेशन किए बिना यूपीएससी क्वालिफाई करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ऑप्शनल बहुत वाइटल रोल प्ले करता है यूपीएससी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप अनुराग 27 कोड को अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए 10% डिस्काउंट के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, कि भाई आपकी जो एग्जाम है उसमें अब 6 मंथ रिमेनिंग है केवल। ठीक है, तो जाहिर सी बात है बहुत स्पीड अप करना पड़ेगा अपने को चीज़ों को। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए न्यू बैच लॉन्च हुए हैं, 6 मंथ यूपीएससी सीएससी 2021 प्रीलिम्स का बैच है। ठीक, जो कि 28 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसमें आपको जो मिलता है वो है प्री का सिलेबस कवरेज पूरा मिलेगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी फुल विद एनालिसिस, ठीक, पीडीएफ स्टडी मटेरियल मिलेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिलेगा। ठीक है, और ये बैच जो है हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप प्लीज़ अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज्वाइन करिए, कोड याद रखिएगा अनुराग 27। ठीक, और इसके माध्यम से, इस कोड के माध्यम से 10% डिस्काउंट आपको अवेल हो जाएगा। और अगर अपन बात करते हैं तो और भी कोर्सेज हैं जो कि टारगेट कर रहे हैं 2022 और 2023। ठीक है, तो ये एक्सपेडिशन कोर्स और लक्ष्य कोर्स दोनों इंग्लिश हिंदी बैचेस में अवेलेबल हैं, इंग्लिश हिंदी माध्यम में। ठीक, तो 6 मंथ के कोर्सेज तो हैं ही, साथ साथ जो ईयर लॉन्ग कोर्स भी है और 2 ईयर लॉन्ग कोर्स भी है, 2023 भी टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी आप ज्वाइन करना चाहें बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, केवल आपको ध्यान रखना है अनुराग 27 कोड फॉर 10% डिस्काउंट। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है उसकी प्राइस हाइक होने वाली है बहुत जल्द, तो अभी जो लो प्राइस है उसका फायदा उठाएं, और जो स्पेशलाइज कोर्स है आइकॉनिक कोर्स, इसमें आपको पर्सनल फीडबैक, पर्सनल गाइडेंस और पर्सनल एजुकेटर मिलते हैं, तो उसको बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। ठीक, अगेन अनुराग 27 ध्यान रखिएगा फॉर 10% डिस्काउंट, इट इज़ माई कोड। ठीक है, चलिए वही हम आते हैं अपने टॉपिक पर आज के। ठीक है, जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी में, ठीक, तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो है ज्योग्राफी फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक है, इसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आज 10वें लेक्चर का पार्ट 2 है। ठीक, जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक जो एंडोजेनेटिक फोर्स के साथ साथ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग जो हम पढ़ रहे थे उसी को हम कंटिन्यू करें। क्लियर है, तो चलिए, तो लास्ट क्लास में जो मैंने आपको बताया था, तो लास्ट क्लास में क्या होते हैं भाई एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस, वो मैंने आपको बताया था कि फॉर एग्जांपल ये अर्थ सरफेस है, तो अर्थ सरफेस पे जो भी डिसिमिलैरिटीज हैं, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, है ना, लेक्स और जो डिप्रेशंस हैं, उन सबको बेसिकली दो फोर्सेज बनाते हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेज जो अर्थ के अंदर से काम करते हैं और एक्सोजेनेटिक फोर्सेज जो अर्थ के बाहर से काम करते हैं। तो प्लीज लास्ट लेक्चर देखिएगा, क्योंकि देखिए कनेक्टिविटी होती है लेक्चर्स में, अगर आप बीच में किसी लेक्चर में बैठे हैं तो समझ में आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट लेक्चर में समझा चुका हूँ। ठीक है, फर्दर जो आज मुझे समझाना है ना, मतलब फोल्डिंग वाला पार्ट अपना हो चुका है और आज अपन फॉल्टिंग वाला पार्ट देखेंगे। ठीक, फोल्डिंग वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, नाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट फॉल्टिंग लेक्चर। ठीक, तो देखो सबसे पहले तो फॉल्ट्स, फॉल्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्ट। ठीक है, फॉल्ट क्या होता है, तो फॉल्ट इज ए जोन ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है, बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये एक रॉक ब्लॉक है। ठीक, दिस इज वन ऑफ योर रॉक ब्लॉक। ठीक, तो इस रॉक ब्लॉक पे मान लीजिए टेंशनल फोर्स काम कर रहा है ना भाई, हमने देखे फोर्सेस दो प्रकार के काम करते हैं, एक टेंशनल फोर्स हो गया और एक कंप्रेशनल फोर्स हो गया। तो देखो फॉल्टिंग जो एक्टिविटी होती है वो इन दोनों फोर्सेस की वजह से होती है,
फोल्डिंग जो एक्टिविटी होती है वो केवल उसमें मेजर रोल किसका होता है, कंप्रेशनल फोर्स का। ठीक, तो फोल्डिंग एक्टिविटी में क्या होता है, जब टेंशनल फोर्स इस रॉक ब्लॉक पे या लिथोस्फेरिक प्लेट पर काम कर रहा है तो यहां पर क्या होगा, कुछ क्रैक्स डेवलप होंगी शुरुआत में, बहुत धीरे धीरे क्रैक्स क्या होंगे, डेवलप होंगे। ठीक, जब ये क्रैक्स डेवलप हो जाएंगे और धीरे धीरे ये क्रैक्स क्या बन जाएंगे, ज्वाइंट बन जाएंगे। देखो एक एंड से दूसरे एंड तक अगर कोई क्रैक ज्वाइन हो गया तो उसे हम क्या बोलेंगे, ज्वाइंट। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट या फ्रैक्चर। ठीक, तो देखो इस प्रकार से शुरुआत में क्रैक डेवलप हुए और ये क्रैक क्या है, बढ़ते बढ़ते पूरे ब्लॉक को पूरा उसने कवर कर लिया। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड एज ज्वाइंट। अब देखो, अब और भी अगर जो टेंशनल फोर्स इस ब्लॉक पर लगता गया, ठीक, तो ये ब्लॉक के अलॉन्ग मूवमेंट हो जाएगा। देखिए इस फिगर में अपन देखते हैं ये क्रैक्स डेवलप हुए, ठीक, धीरे धीरे है ना, आगे जाकर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ब्लॉक, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो बीच का ब्लॉक क्या हो गया, सेटल डाउन हो गया, बैठ गया। ठीक, इसको हैंगिंग ब्लॉक बोलते हैं अपन, देखते हैं थोड़ी देर में क्या होता है सब। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार से वैली बनती है उसे अपन बोलते हैं रिफ्ट वैली। क्लियर है, रिफ्ट वैली। तो क्रैक्स, रिफ्ट वैली और इसके आसपास जो ब्लॉक्स खड़े रह गए हैं, ठीक, ये अपने को, अगर आप यहाँ पे रहते हैं इस रीजन में तो आपको ये माउंटेन टाइप लगेंगे, तो इनको अपन बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक, अभी मैं पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा आपको कि भाई रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन कैसे बनते हैं, अभी मैं केवल आपको फॉल्ट बता रहा हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉल्ट, फॉल्ट मतलब होता क्या है। ठीक है, तो देखो फॉल्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ बोथ कंप्रेशनल एंड टेंशनल फोर्सेस, बट टेंशनल फोर्सेस प्ले सिग्निफिकेंट रोल। जाहिर सी बात है, टेंशनल फोर्सेस ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं फॉल्ट्स में। मैंने आपको बताया कि क्रैक क्या होता है, क्रैक जब पूरे एंड तक ज्वाइन नहीं करा है, ठीक है, यहां तक ज्वाइन नहीं करा है तो वो क्रैक कहलाएगा। ठीक, और अगर ये यहां तक ज्वाइन कर गया है तो यहां से देखो इस पॉइंट से लगभग लगभग ये जॉइंट बन जाएगा। यहां पर मूवमेंट नहीं हुआ है, प्लेट का मूवमेंट नहीं हुआ है या लिथोस्फेरिक ब्लॉक का मूवमेंट नहीं हुआ है, तो इट विल बी कॉल्ड एज जॉइंट और फ्रैक्चर। और अगर यहां से और टेंशनल फोर्स लगता गया इस डायरेक्शन में, ठीक, इस पूरी प्लेट पर या इस पूरे लिथोस्फेरिक ब्लॉक पर, तो क्या होगा, यहां से मूवमेंट हो जाएगा इसके अलावा, और जब मूवमेंट हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे फॉल्ट। क्या बोलेंगे, फॉल्ट। ठीक, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो एक बार मैं डेफिनेशन पूरी पढ़ के सुना देता हूँ आपको फॉल्ट क्या होता है। ठीक है, अ फॉल्ट इज ए फ्रैक्चर और जोन ऑफ फ्रैक्चर बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक। फॉल्ट्स अलाउ द ब्लॉक्स टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर। दिस मूवमेंट में ऑकर रैपिडली इन द फॉर्म ऑफ एन अर्थक्वेक। बिल्कुल, तो देखो ये जो मूवमेंट हो रहा है प्लेट के, ये एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है, और उस एनर्जी के कारण अर्थक्वेक भी अपन महसूस कर सकते हैं। अगर अच्छा तगड़ा या पावरफुल अर्थक्वेक आया, इंटेंसिटी ज्यादा है इसकी, तो हम लोग भी महसूस करेंगे उसको, अदरवाइज केवल सिस्मोग्राफ महसूस करेगा और कुछ जानवर महसूस करेंगे। ठीक है, हमें पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, और मैं ऊपर स्लोली इन फॉर्म ऑफ क्रीप्स। ठीक, तो ये क्रैकिंग जो होती है, मूवमेंट जो होता है, ये स्लोली भी हो सकता है और रैपिडली भी हो सकता है। ठीक, तो फॉल्ट में रेंज इन लेंथ फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स टू थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स। तो भाई बहुत लंबे लंबे फॉल्ट्स भी होते हैं, है ना, अपन आगे एग्जाम्पल देखेंगे इसका। ठीक, कैलिफोर्निया में है सैन एंड्रियास फॉल्ट, उसको भी अपन देखेंगे। ठीक, तो एनर्जी रिलीज एसोसिएटेड विद रैपिड मूवमेंट ऑन एक्टिव फॉल्ट्स इज अ कॉज ऑफ मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स। तो अर्थक्वेक्स का मेजर कॉज क्या होता है, ये फॉल्ट ही होते हैं, फॉल्ट के अलोंग जो एनर्जी रिलीज होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक कंसेप्ट आता है ना, फुटवॉल और हैंगिंग वॉल का। किसका आता है, फुटवॉल और हैंगिंग वॉल का, फुटवॉल एंड हैंगिंग वॉल। ठीक, अब देखो इसको समझने के लिए कंसेप्ट को मैं आपको बताता हूं। देखिए फॉर एग्जाम्पल ये फॉल्ट अपना डेवलप हुआ है, ठीक, मान लीजिए थोड़ी देर पहले फॉल्ट नहीं था। ठीक है, तो आपने अपना एक पैर यहां पे रखा है, ठीक, और दूसरा पैर यहां पे रखा है। ठीक, तो जो फुट आपका मूव करेगा, है ना, जिस फुट के नीचे की वॉल मूव कर जाएगी उसको अपन बोलते हैं हैंगिंग वॉल, और जहां पर आपका फुट स्टेबिलिटी से रखा हुआ है उसको अपन बोलते हैं फुटवॉल। ध्यान रखिएगा, तो फुटवॉल ये है पार्ट जो स्टेबल रहता है, ठीक, स्टेबल पार्ट रहता है। ठीक, और हैंगिंग वॉल क्या है, जो जो वाला जो प्लेन के अलोंग, इस जो प्लेन है किसका, फॉल्ट प्लेन के अलोंग जिस जिस ब्लॉक में मूवमेंट होता है उसे अपन बोलते हैं हैंगिंग वॉल। क्लियर है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फुटवॉल एंड हैंगिंग वॉल, तो वो समझिएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एक आपका रॉक ब्लॉक है, ठीक, दिस इज अ रॉक ब्लॉक। ठीक है, अपन ने एक लिथोस्फेरिक ब्लॉक ले लिया है, इस लिथोस्फेरिक ब्लॉक में मान लीजिए ये क्या हुआ, एक फॉल्ट डेवलप हुआ है। ठीक, तो इस फॉल्ट के एक तरफ आपने एक पैर रखा और दूसरी तरफ आपने दूसरा पैर रखा। ठीक है, अभी तक हमें मालूम नहीं है कौन सा ब्लॉक मूव करेगा।
ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ये वाला ब्लॉक क्या कर गया है, थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गया है, ठीक। तो इसके शिफ्ट होने के कारण क्या है, इसको बोलेंगे अपन हैंगिंग वॉल, ठीक। और जो स्टेबल रह गया है उसे बोलेंगे फुट वॉल, ठीक। ध्यान रखिएगा, फुट वॉल और हैंगिंग वॉल। तो जो अपन पहचानते हैं फॉल्स, वो किस तरीके से पहचानते हैं, इन फुट वॉल और हैंगिंग वॉल से, है ना। टू करेक्टली आइडेंटिफाई फॉल्ट वी मस्ट फिगर आउट विच ब्लॉक इज फुट वॉल एंड विच ब्लॉक इज हैंगिंग वॉल, ठीक। देन यू डिटरमाइन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द हैंगिंग वॉल एंड फुट वॉल। तो एवरी फॉल्ट टिल्टेड फ्रॉम द वर्टिकल हैज टू हैंगिंग वॉल एंड अ फुट वॉल। तो दो चीजें होती है, फुट वॉल और हैंगिंग वॉल, है ना। टू डिटरमाइन विच इज विच विजुअली यूर सेल्फ क्रिएटिंग ए माइंड इन अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन। तो अपन देखो सिंपल, आप फुट वॉल और हैंगिंग वॉल का कंसेप्ट समझ गए हैं, तो इसमें मेरे ख्याल से आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, एक्सपेरिमेंट, ठीक है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, नो इश्यूज, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सैन एंड्रियास फॉल्ट टेस्ट का अपन एग्जाम्पल देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक। तो देखो अब टाइप्स ऑफ फॉल्ट पे आते हैं। तो फॉल्ट अपने को समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ फॉल्ट, ठीक। अब आते हैं टाइप्स ऑफ फॉल्ट पर, ठीक है। तो पहला टाइप ऑफ फॉल्ट, जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ फोल्ड पढ़े हैं, उसमें अपन ने सिमेट्रिकल फोल्ड, एसिमेट्रिकल फोल्ड और बहुत सारे टाइप्स पढ़े हैं, ऐसे ही टाइप्स ऑफ फॉल्ट भी पढ़ते हैं, ठीक। तो देखो अब एक बात ध्यान रखना कि ये एक फॉल्ट प्लेन है, ठीक, ये एक फॉल्ट प्लेन आया है, ठीक, और ये बेसिकली किसकी वजह से आया है, टेंशनल फोर्स की वजह से, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स क्या है, एक दूसरे से दूर मूव कर रहे हैं, तो यहां पर धीरे धीरे समय के साथ फॉल्ट डेवलप होगा, और फॉल्ट डेवलप होने के साथ जो हैंगिंग वॉल है वो सबसाइड होगी, नीचे की तरफ बैठेगी, ध्यान रखिएगा, है ना, इसमें ऊपर नहीं चढ़ेगी, ठीक। तो यहां पर टेंशनल फोर्स काम करता है। तो देखो इफ द हैंगिंग वॉल ड्रॉप्स रिलेटिव टू द फुट वॉल, हैंगिंग वॉल ड्रॉप कर रही है, अ नॉर्मल फॉल्ट इज क्रिएटेड, ठीक। ध्यान रखिएगा नॉर्मल फॉल्ट की डेफिनेशन है, नॉर्मल फॉल्ट कई बार परीक्षा में पूछा गया है क्या होता है, और नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट में अंतर भी पूछा गया है ना। तो बहुत सारी किताबों में और बहुत सारे टीचर्स जो हैं इसमें डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, आप समझिए बात को, ठीक। तो इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है, ठीक। तो इफ द हैंगिंग वॉल ड्रॉप्स रिलेटिव टू फुटबॉल, हैंगिंग वॉल क्या होता है और फुटबॉल क्या होता है मैंने आपको बता चुका हूं अभी, ठीक। फुटबॉल अ नॉर्मल फॉल्ट इज क्रिएटेड, तो नॉर्मल फॉल्ट ऑकर्स इन एन एरिया अंडरगोइंग एक्सटेंशन स्ट्रेस, मतलब स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग मतलब टेंशनल फोर्स लग रहा है, ये एक्सटेंशन हो रहा है, ये टेंशनल फोर्स लग रहा है, ठीक। तो टेंशनल फोर्स मेजर काम आता है, जब अपन नॉर्मल फॉल्ट की बात करते हैं तो टेंशनल फोर्स विल वर्क, और टेंशनल फोर्स की वजह से हैंगिंग वॉल विल बी सबसाइडेड, है ना, और फुटबॉल वैसी की वैसी रहेगी अपनी जगह पर, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, नॉर्मल फॉल्ट, है ना। तो इन दिस द रॉक ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द फॉल्ट प्लेन। तो देखो ये जो फॉल्ट प्लेन है ना, अपन ने जो फॉल्ट की लाइन है उसको अगर अपन एक्सटेंड कर दें तो वो एक पूरा प्लेन बन जाएगा, तो उसको बोलते हैं फॉल्ट प्लेन तल, ठीक है, इसको भ्रंश तल कहते हैं हिंदी में, फॉल्ट प्लेन, ठीक। तो इन दिस द रॉक ब्लॉक्स आर डिस्प्लेस्ड अलोंग द फॉल्ट प्लेन एंड वन ब्लॉक्स मूव्स डाउनवर्ड ड्यू टू टेंशनल फोर्स। तो एक ब्लॉक का डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, तो अपन इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉल्ट, ठीक। देखो अब नॉर्मल फॉल्ट को अच्छे समझने के लिए आपको रिवर्स फॉल्ट भी समझना पड़ेगा। फर्दर अपन आते हैं रिवर्स फॉल्ट पर। तो देखो जो भ्रंश या फॉल्टिंग की एक्टिविटी होती है वो कंप्रेशन फोर्स से भी होती है, ध्यान रखिएगा, फॉल्टिंग की एक्टिविटी क्या होती है, कंप्रेसिव फोर्सेस से भी होती है। तो अगर किसी रॉक ब्लॉक पे कंप्रेसिव फोर्स भी लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, तो देखो दो कंडीशंस हैं, अगर कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है तो या तो फोल्डिंग होगी, ठीक, या फॉल्टिंग होगी, ठीक, या तो फोर्स डेवलप होंगे या फॉल्ट डेवलप होंगे। अब देखो वो डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर ऑफ रॉक क्या है ना, रॉक स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है, ठीक। अगर सॉफ्ट रॉक है, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा है, तो जाहिर सी बात है कंप्रेसिव फोर्स के समय पर फोल्डिंग होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक। लेकिन अगर हार्ड रॉक है, क्या है, हार्ड रॉक, ठीक, यानी कि इग्नियस रॉक का स्ट्रेटा है, तो उस कंडीशन में कंप्रेसिव फोर्स के लगने पर भी क्या होगा, है ना, फॉल्टिंग की एक्टिविटी होगी, और एक ब्लॉक जो है वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, समझना। अपन ने नॉर्मल फॉल्ट के समय देखा है कि एक ब्लॉक नीचे की ओर गिरता है, क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हैंगिंग वॉल जो है वो फुट वॉल पर ओवर राइड करेगी, क्लियर है, हैंगिंग वॉल विल ओवर राइड द फुट वॉल, तो यहां पर अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो बेसिकली नॉर्मल फॉल्ट और रिवर्स फॉल्ट में बेसिक अंतर क्या है, तो सबसे बड़ा अंतर है कि भाई नॉर्मल फॉल्ट की जब अपन बात करते हैं तो नॉर्मल फॉल्ट में आपका कौन सा फोर्स लगता है भैया, टेंशनल फोर्स लगता है ना, और टेंशनल फोर्स के कारण फॉल्ट क्रिएट होता है और हैंगिंग वॉल सबसाइड होता है और फुट वॉल वैसा का वैसा ही रहता है, क्लियर है,
कंप्रेसिव फोर्स लगता है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से नॉर्मल फॉल्ट डेवलप होता है। ठीक, जब अपन बात करते हैं किसकी, रिवर्स फॉल्ट की, तो रिवर्स फॉल्ट में कंप्रेसिव फोर्स लगता है और नॉर्मल फॉल्ट में टेंशनल फोर्स लगता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कंप्रेशन के कारण क्या होता है, बिकॉज ऑफ रॉक स्ट्रक्चर या कंपोजिशन ऑफ रॉक, हार्ड रॉक रहता है, इसकी वजह से फॉल्ट डेवलप होता है और ये फॉल्ट के अलॉन्ग, फॉल्ट प्लेन के अलॉन्ग जो हैंगिंग वॉल है या एक ब्लॉक है वो ऊपर की ओर ओवरराइड करता है और फुटवॉल अपनी जगह पर स्टेबल रहता है। समझ बात, देखो फुटवॉल का काम ही यही है, फुटवॉल का काम क्या है, वो अपनी जगह पर स्टेबल रहेगा, क्लियर है, और या तो दूसरा ब्लॉक जो हैंगिंग ब्लॉक है या तो वो नीचे बैठेगा या ऊपर बढ़ेगा। ठीक, अगर टेंशनल फोर्स है तो वो नीचे बैठेगा और अगर कंप्रेसिव फोर्स तो वो ऊपर की ओर बढ़ेगा फॉल्ट डेवलप करने के बाद। ठीक है, और इन दोनों ही प्रक्रिया में क्या होगा, रिफ्ट वैली और रैम वैली, हॉर्स माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स का डेवलपमेंट होगा। वो अपन देखते हैं, हॉर्स माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन दोनों लगभग लगभग आपको देखने पर सेम लगेंगे, पर दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है जो कि पूछे जाते हैं। क्लियर है, रिफ्ट वैली रैम वैली में क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है और बहुत बेसिक डिफरेंस है, ठीक है ना, जो क्लैरिफाई क्लैरिटी करना आवश्यक है उस डिफरेंस की। ठीक, चलिए, तो हमने दो प्रकार के फॉल्ट देखे भैया, एक तो नॉर्मल फॉल्ट हो गया और एक रिवर्स फॉल्ट। तो रिवर्स फॉल्ट को भी पढ़ लेते हैं। रिवर्स फॉल्ट इज एन अपोजिट ऑफ नॉर्मल फॉल्ट। नॉर्मल फॉल्ट का जो उल्टा है, अपोजिट है, उसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स फॉल्ट बोलते हैं। द हैंगिंग वॉल मूव्स अप रिलेटिव टू द फुट वॉल, इसका जस्ट उल्टा होता है किसमें, नॉर्मल फॉल्ट में। रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, जो हैंगिंग वॉल है वो मूव अपवर्ड होती है, नॉर्मल फॉल्ट में डाउनवर्ड मूव करती है। ठीक है, तो रिवर्स फॉल्ट इंडिकेट्स कंप्रेसिव शॉर्टनिंग ऑफ क्रस्ट, बिल्कुल। तो यहां पर कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहे हैं दोनों तरफ से। ठीक, क्योंकि कंप्रेसिव फोर्स से फोल्डिंग भी होता है और फॉल्टिंग भी होता है। देखो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, आप समझना। अगर अपन हिमालय की बात करें तो इंडियन प्लेट जो है वो टकराई एशियाटिक प्लेट से, फिर थोड़ी ढीली हुई, फिर टकराई, फिर ढीली हुई, फिर टकराई। तो इस प्रकार से क्या है, बहुत सारी बार टकराई है, तो बहुत सारी बार टेंशनल फोर्स भी लगा है और कंप्रेशन फोर्स भी लगा। तो जितनी भी चीजें हम हिमालयन रीजन में देखते हैं, है ना, तो दोज थिंग्स आर आउटकम ऑफ, या दोज लैंडफॉर्म्स आर आउटकम ऑफ बोथ टेंशनल एज वेल एज कंप्रेशनल फोर्स। तो बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, आप समझिएगा, है ना। अपन इसको सिंपल वे में पढ़ सकते हैं, पर यदि आप कोई लाइव एग्जाम्पल देखेंगे तो लाइव एग्जाम्पल में ऐसा कोई भी आपको लैंड फीचर नहीं मिलेगा जो केवल किससे बना हो, केवल या तो कंप्रेशन फोर्स से बना हो या टेंशनल फोर्स से बना हो। तो ये टेंशनल फोर्स और कंप्रेशन फोर्स और दूसरे प्रकार के कई फोर्स जो हैं वो क्या है, बहुत एक दूसरे से इंटरमिंगल होकर काम करते हैं। समझ गई बात। तो अगर अपन लाइव या अपन रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखेंगे तो रियल लाइफ एग्जांपल के लिए अपने को थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि चीजें समय के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है। ठीक, तो देखिए नॉर्मली यदि आप देखेंगे, है ना, तो यदि आप देखते हैं किसी भी फॉल्ट को तो नॉर्मली आपको कोई भी अंतर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेमैन की भाषा में अगर अपन बोले, मैंगो मैन, आम आदमी, तो अगर आप देख रहे हैं नॉर्मल फॉल्ट को, रिवर्स फॉल्ट को, तो आपको कोई अंतर समझ में नहीं आएगा। आप तो बोलेंगे सर देखो ये तो रिफ्ट वैली बन रही है ना, सिंपल चीज है, पर ऐसा नहीं है। ठीक, ध्यान रखिएगा भाई, अपन थोड़ा जो पढ़ रहे हैं उसमें अंतर अपने को पता होना चाहिए। तो नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, ठीक, कंप्रेसिव फोर्स और टेंशनल फोर्स का अंतर है, और अपवर्ड मूवमेंट और डाउनवर्ड मूवमेंट का अंतर है। ठीक है, द टिप ऑफ रिवर्स फॉल्ट इज रिलेटिवली स्टीप। ठीक है, तो रिवर्स फॉल्ट में क्या होता है, जो डिप होता है, डिप एंगल मतलब वो एंगल फॉल्ट प्लेन का एंगल हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से। ठीक, तो फॉल्ट प्लेन का जो भी एंगल रहेगा वो रिलेटिवली स्टीप रहेगा, ग्रेटर देन 45 रहेगा। और अपन जब नॉर्मल फॉल्ट की बात करते हैं तो वहां पर जनरल स्लोप रहेगा, ज्यादा स्टीप स्लोप नहीं रहेगा। द टर्मिनोलॉजी ऑफ नॉर्मल एंड रिवर्स कम फ्रॉम कोल माइनिंग इन इंग्लैंड, वेयर नॉर्मल फॉल्ट्स आर ऑफ मोस्ट कॉमन, बहुत कॉमन है। तो ये इंग्लैंड से आई टर्मिनोलॉजी, यहां से नहीं है, पर ठीक है, अपने को पढ़ना पड़ रही है। ठीक है, नो इश्यूज। देखो अब आता है तीसरे प्रकार का फॉल्ट आता है। ठीक, तो बेसिकली फॉल्ट के अपन ने तीन टाइप पढ़ रहे हैं, कौन कौन से, एक हो गया नॉर्मल फॉल्ट, एक हो गया रिवर्स फॉल्ट, और तीसरा क्या हो गया, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। देखो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट में क्या होता है, इसमें फॉल्ट तो डेवलप होता ही है और लगभग वर्टिकल फॉल्ट डेवलप होता है। ठीक है, इसमें कोई हॉरिज मतलब थोड़ा इंक्लाइंड फॉल्ट डेवलप नहीं होता है। ठीक, तो वर्टिकल फॉल्ट डेवलप होता है और यहाँ पर ब्लॉक का मूवमेंट कैसा होता है, लेटरल होता है। ठीक, तो यहाँ पर ना ही कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ठीक, ना ही टेंशनल फोर्स लग रहा है, क्लियर है, ना ही कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, ना ही टेंशनल फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर ब्लॉक का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक, अलग अलग डायरेक्शन में। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जब ये घर्षण मतलब इन दो प्लेट्स या दो पार्ट्स के बीच में जब फ्रिक्शन होगा तो उससे जबरदस्त एनर्जी रिलीज होगी, जिससे ये बहुत बेहतरीन अर्थक्वेक का जोन बनेगा। ठीक, क्लियर है।
तो इन्हें फटाफट देख लेते हैं। तो इन्हें स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, ऑल्सो नोन एज द रेंच फॉल्ट, टीयर फॉल्ट और ट्रांस करेंट फॉल्ट, ध्यान रखिएगा कुछ किताबों में ट्रांस करेंट फॉल्ट के नाम से भी इसको दिया गया है। ठीक, द फॉल्ट प्लेन सरफेस इज यूजली नियर वर्टिकल। तो ये फॉल्ट प्लेन का सरफेस है, जो फॉल्ट जो आ रहा है फॉल्ट प्लेन को अगर अपन पूरा प्लेन मान लें एक, तो वो लगभग लगभग वर्टिकल है। एंड द फुटबॉल मूव्स लेटरली आइदर लेफ्ट और राइट विथ वेरी लिटिल वर्टिकल मोशन। तो जो फुटबॉल है, ठीक है, देखो फुटबॉल और हैंगिंग बॉल मैंने आपको बताया क्या होते हैं। ठीक, तो जिस बॉल में मूवमेंट होता है उसे अपन हैंगिंग बॉल कहते हैं। और देखो ये दो पैर आपने रख ली यहां पर, ठीक, तो जो एक पैर के नीचे आपका मूवमेंट होगा दूसरा ब्लॉक वैसा का वैसा रहेगा। तो ये होता है फुटबॉल और ये होता है हैंगिंग बॉल। तो हैंगिंग बॉल लेटरल मूवमेंट करता है, ठीक है ना, वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है, क्लियर है। ठीक है, तो देखो फुटबॉल मूव्स लेटरली इधर लेफ्ट और राइट विथ लिटिल वर्टिकल मोशन। ठीक, तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट विथ लेफ्ट लेटरल मोशन आर नोन एज सिनिस्ट्रल फॉल्ट एंड दोज विथ राइट लेटरल मोशन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रल फॉल्ट। ठीक है, तो ये डेक्स्ट्रल और सिनिस्ट्रल फॉल्ट क्या होते हैं ये बता दिया मैंने आपको, हो सकता है कहीं पूछा जाए परीक्षा में। ठीक है, पर ठीक है भाई, हमें तो मेंस में आंसर लिखना है। देखो ध्यान रखिएगा, मेंस की प्रिपरेशन बहुत मेन होती है, अगर आपने मेंस की प्रिपरेशन अच्छी करी है तो आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीटेड हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। ठीक, केवल थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको इधर उधर से पढ़ने पड़ते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो अ स्पेशल केस या स्पेशल क्लास ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट इज अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट व्हेन इट फॉर्म्स अ प्लेट बाउंड्री। जब अपन इस फॉल्ट को बहुत बड़े लेवल पर ले लेते हैं, किसको, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को, और दो प्लेट्स की बाउंड्री के बीच की बात करते हैं, तो उस कंडीशन में हम इसको ट्रांसफॉर्म फॉल्ट बोलते हैं। ठीक, तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट को अगर बहुत बड़े लेवल बोल दिया अपन ने, तो इसकी एक क्लास क्या होती है, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट। ठीक, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट आर ऑल्सो रिफर्ड एज कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। थोड़ा सा अगर पढ़ा होगा आपने पहले तो याद आएगा आपको, ये कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज समझा चुका हूं मैं आपको, ठीक है ना। तो इन एज मच एज लिथोस्फियर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक है, तो कंजर्वेटिव बाउंड्री है ना, और दूसरा डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री, और तीसरा अपना सॉरी कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री और कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्री, तीनों अपन पढ़ चुके हैं प्लेट टेक्टोनिक्स में। तो प्लीज भैया रिफर करो यार, सब कुछ चीजें बार बार मैं रिपीट नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना। वैसे ही बेचारे बच्चे परेशान है मुझसे कि यार आप बहुत रिपीट करते हो चीजों को, तो भैया इसलिए करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए, है ना। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, ठीक, और आपको क्लास के क्लास में सारी चीज याद होनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपका रिटेंशन लेवल क्लास का जो होना चाहिए वो 70-80% होना चाहिए, है ना, क्लियर है। तो रिवीजन करने में भी मजा आएगा, आसानी होगी रिवीजन करने में। ठीक, तो देखो तीन प्रकार के अपन ने फॉल्ट देखे हैं यहाँ पर, ठीक, कौन कौन से फॉल्ट हैं, पहला है नॉर्मल फॉल्ट, दूसरा रिवर्स फॉल्ट, तीसरा है स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, इसको ट्रांसकरेंट फॉल्ट भी कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल जो है सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल क्या है, मैंने आपको बताया कि भैया सैन एंड्रियास फॉल्ट, किसका, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का सबसे बेहतर एग्जाम्पल है सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो ये कैलिफोर्निया का रीजन है यूएसए का, ध्यान रखिएगा। और यहां पर क्या हो रहा है, पैसिफिक प्लेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और यहां पर 700 माइल्स यानी कि 700 से ज्यादा लगभग 1000 किलोमीटर लंबा, 1000 से भी ज्यादा 1200 किलोमीटर लंबा क्या है, एक फॉल्ट डेवलप हुआ है। ठीक, और ये फॉल्ट मूव कर रहा है, सॉरी इस फॉल्ट के अलॉन्ग क्या है, प्लेट्स मूव कर रही हैं, क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा इसको। ठीक, बेहतरीन मूवी भी बनी है इस पे एक, ठीक, और ये यहाँ पर जबरदस्त अर्थक्वेक्स आते हैं, क्या आते हैं, अर्थक्वेक्स। ठीक, अर्थक्वेक्स मैंने कहा ना यहाँ पर वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक, पर यहाँ पर अर्थक्वेक्स आपको देखने को मिलेंगे बहुत जबरदस्त तरीके से। तो ये किसका एग्जाम्पल है भैया, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का। ठीक, तो इन्हें स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ऑल्सो नोन एज ट्रांसक्रेट फॉल्ट, द ब्लॉक मूव्स लेटरली ईदर लेफ्ट और राइट विद वेरी लिटिल वर्टिकल मोशन। ठीक, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इज टाइप ऑफ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट दैट इज क्लासिफाइड एज प्लेट बाउंड्री, एग्जाम्पल डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, डेड सी भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो डेड सी में भी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट डेवलप है। तो अपन ने भाई तीन प्रकार के फॉल्ट पढ़े हैं, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, तीनों में हल्का सा एक बार आपको बता दे रहा हूँ अंतर, कि भाई नॉर्मल फॉल्ट जो होता है ना उस पर टेंशनल फोर्स काम करता है, अगर ब्लॉक पर टेंशनल फोर्स काम कर रहा है, ठीक, तो दो ब्लॉक्स अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक, और जो ब्लॉक स्टेबल है, जो अपनी जगह पर है, उसको बोलते हैं अपन फुटवॉल, क्या बोलते हैं, फुट वॉल, और जो ब्लॉक मूव कर रहा है उसको बोलते हैं अपन हैंगिंग वॉल, क्या बोलते हैं, हैंगिंग वॉल। तो इस कंडीशन में हैंगिंग वॉल क्या है, नीचे की तरफ मूव करता है, क्लियर है। ठीक, दूसरा आता है नॉर्मल सॉरी रिवर्स फॉल्ट, तो रिवर्स फॉल्ट में कंप्रेसिव फोर्स काम करता है,
जब कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है तो एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, तो समझिएगा बात को। तो ये हैंगिंग वॉल हो गया, ये फुटवॉल हो गया, फुटवॉल अपनी जगह स्टेबल रहता है, हैंगिंग वॉल मूव करता है, क्लियर है। तीसरी कंडीशन आ गई स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की, तो इसमें भैया लेटरल मोशन हो रहा है, ठीक, ना ही एक दूसरे के ऊपर चढ़ा जा रहा है, ना ही नीचे बैठा जा रहा है, ठीक, मोशन क्या हो रहा है, लेटरल मोशन हो रहा है, ठीक। और तीनों के अपन ने एग्जाम्पल्स भी देखे हैं, क्योंकि तो देखो ये जो फॉल्ट होते हैं यहां पर अपन बहुत सारे रिफ्ट वैली देखेंगे क्रिएट होती है। नॉर्मल फॉल्ट रिफ्ट वैली क्रिएट करता है, रिवर्स फॉल्ट जो है वो रैंप वैली क्रिएट करता है, क्या करता है, रैंप वैली। ध्यान रखिएगा सारे एग्जाम्पल्स अभी बता रहा हूं इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोटिस करिएगा रिफ्ट वैली और रैंप वैली में, अभी समझा रहा हूं 2 मिनट में आपको। तो नॉर्मल फॉल्ट क्या करता है, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स बनाता है, ठीक, और रिवर्स फॉल्ट जो है वो रैंप वैली, ठीक, और हॉर्स्ट माउंटेन्स बनाता है, ध्यान रखिएगा। और ये कैसे बनाता है हम देख रहे हैं अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है, देखो एक फिगर और देख लो फटाफट, जो अपन बहुत लंबे स्केल पर बात करते हैं ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की या स्ट्राइक क्लिप फॉल्ट की, तो दो प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में मोशन कर रही हैं, तो उनके बीच में जो बाउंड्री बनती है उसको बोलते हैं अपन स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या ट्रांसफॉर्म फॉल्ट या कंजर्वेटिव बाउंड्री, ठीक। चलो अब आते हैं अपन के कौन कौन से लैंड फॉर्म्स हैं जो एसोसिएटेड हैं, किससे, लैंड फॉर्म्स एसोसिएटेड विथ फॉल्ट्स, ठीक। तो फॉल्ट्स कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनाता है, तो देखो ये फॉल्ट्स के मूवमेंट है ना, एक रॉक ब्लॉक है, यहां से लेकर यहां तक का अपन ने रॉक ब्लॉक ले रखा है, ठीक, और इसमें कई प्रकार के फॉल्ट्स हैं यहां पर डेवलप हो रहे हैं बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ टेंशन, टेंशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहे हैं यहां पर बहुत सारे फॉल्ट्स डेवलप हो रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, कहीं कहीं पर सडन डाउनवर्ड मूवमेंट भी होगा, ठीक, और कहीं कहीं पर ब्लॉक स्टेबल रह जाएगा। तो जो स्टेबल ब्लॉक है हम उनको बोलेंगे अपने पूरे लेक्चर में फुटवॉल, ठीक, और जो ब्लॉक मूवमेंट कर रहे हैं उनको बोलेंगे अपन हैंगिंग वॉल, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहला जो लैंडफॉर्म बनता है फॉल्टिंग एक्टिविटी से वो है फॉल्ट एस्कार्पमेंट। क्या है, फॉल्ट एस्कार्पमेंट, इसको बोलते हैं भ्रंश कगार, क्या बोलते हैं, भ्रंश कगार हिंदी में बोलते हैं, पर ठीक है अभी मैं कंप्लीटली हिंदी में लेक्चर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा क्या है ज्योग्राफी टेक्निकल भाषा है तो मिक्सअप हो जाएगा जबरदस्त तरीके से, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी के लिए भी पढ़ना, है ना, हिंदी वाले भी नहीं पढ़ पाएंगे बेचारे, हिंदी इंग्लिश वाले भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो मैं अलग सीरीज चालू करूंगा सोनली फॉर हिंदी मीडियम, ठीक, ये वाली जो इंग्लिश सीरीज है ये हिंदी मीडियम वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे लगभग लगभग शब्द जो हैं ये हिंदी में भी अंग्रेजी में ही इस्तेमाल किए गए हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिए। और इवन एग्जाम्स में आपके जैसे रैंप वैली पूछेगा तो उसको हिंदी में बोलते हैं रैंप घाटी, ब्लॉक माउंटेन को ब्लैक पर्वत, ठीक है, तो इस प्रकार से समझिएगा। तो इंग्लिश की क्लास में हिंदी वाले बैठ सकते हैं पर इंग्लिश वाले हिंदी क्लास में बिल्कुल नहीं बैठ सकते, ठीक, तो अपन एक अलग सीरीज चालू करेंगे समय के साथ, ठीक है। चलिए तो अपन देखते हैं पहला जो अपन फीचर जो देख रहे हैं वो है फॉल्ट एस्कार्पमेंट। अब देखो फॉल्ट एस्कार्पमेंट मतलब कगार, ये क्या होता है, सडनली जैसे आप जा रहे हैं अपनी गाड़ी से कार से, ठीक, और सडनली क्या आ गई, खाई आ गई और नीचे गिर गए आप, ठीक, तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं एस्कार्पमेंट। क्या बोलते हैं, एस्कार्पमेंट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल नदी बह रही है एक पूरे इस पर्टिकुलर रीजन से और फॉल्टिंग एक्टिविटी हुई 1000 साल में, 1000 पुरानी 1000 साल पुरानी नदी है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर वाटरफॉल बन जाएगा, क्या बनेगा, वाटरफॉल, समझ में आई बात, ठीक। तो वाटरफॉल जो बनते हैं वो किस, कहाँ पर बनते हैं, एस्कार्पमेंट पर, ठीक है। तो ये नदी की वैली है लंबी सी, ऑलरेडी जा रही है नदी, ठीक, और यहाँ पर एकदम से एस्कार्पमेंट डेवलपमेंट हो गया, ठीक, बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग एक्टिविटी, तो उसको बोलते हैं अपन वाटरफॉल डेवलप होंगे, ठीक। तो इस प्रकार से बहुत सारे फीचर डेवलप होते हैं। तो देखो एन एस्कार्पमेंट क्या होता है, एस्कार्पमेंट, एन एस्कार्पमेंट इज एन एरिया ऑफ अर्थ वेयर एलिवेशन चेंजेस सडनली, ठीक, तो एलिवेशन सडनली चेंज होता है, ठीक है। तो एस्कार्पमेंट यूजुअली रिफर्स टू द बॉटम ऑफ अ क्लिफ और ए स्टीप स्लोप, एक स्टीप स्लोप रहेगा या बॉटम ऑफ द क्लिफ रहेगा, ठीक। तो एस्कार्पमेंट सेपरेट टू लेवल लैंड सरफेस है, तो ये एक लेवल लैंड सरफेस है, फर्स्ट लेवल का, ये सेकंड लेवल का लैंड सरफेस है, ठीक, तो इन दोनों सरफेस को सेपरेट कर रहा है क्या, एस्कार्पमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल एन एस्कार्पमेंट कुड बी एन एरिया सेपरेटिंग द लोअर पार्ट ऑफ अ कोस्ट फ्रॉम हायर प्लेट्यू। तो मान लीजिए कोस्टल पार्ट है, यहाँ समुद्र आ गया आपका, ठीक, और ये प्लेट्यू का पार्ट है, तो कोस्टल रीजन को सेपरेट कर रहा है प्लेट्यू वाले पार्ट से, ठीक। तो फॉल्टिंग इज अ मूवमेंट ऑफ अर्थ और अर्थ टॉप लेयर और क्रस्ट अलोंग द क्रैक कॉल्ड फॉल्ट, द सेम प्रोसेस ऑफन रिजल्ट्स इन अर्थक्वेक्स। तो फॉल्टिंग क्रिएट्स एस्कार्पमेंट एज इट मूव्स पीस ऑफ द अर्थ अराउंड। तो सिंपल अपन ने पूरा प्रोसेस समझा है भैया, ठीक। तो क्या होता है, एक जमाने में ये रॉक ब्लॉक क्या था, इसके बराबर था, यहां पर था, ठीक, ये रॉक ब्लॉक कहां तक था,
यहां तक था ठीक। अब क्या हुआ यहां पर, बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन या टेंशनल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, डेवलपमेंट है ना, यहां पर एक क्रैक डेवलप हुआ ठीक। और इस क्रैक के सहारे जो अपना हैंगिंग वॉल है वो नीचे की तरफ सेटल हो गया, नीचे की तरफ डाउनफोल्ड हो गया या नीचे की तरफ बैठ गया है ना, सबसाइड हो गया और एक ब्लॉक एज इट इज अपनी जगह पे रहा ठीक। तो उस कंडीशन में कगार, कगार यानी कि एस्कार्पमेंट बन जाएगा ठीक, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, एस्कार्पमेंट अपना हो चुका है ठीक है मेरे ख्याल से। और जितने भी वाटरफॉल्स के एग्जाम्पल हैं या बहुत सारी जगह हैं, बहुत सारे प्लेट्यू अपन देखने वाले हैं अभी, बहुत सारे रिफ्ट वैलीज देखने वाले हैं। तो एकदम से आप जैसे बहुत सारे रीजन्स हैं यार, छोटे छोटे बहुत सारे रीजन्स हैं, मध्य प्रदेश की बात करें है ना, तो बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पर आप सडनली इस प्रकार का एलिवेशन प्लेट्यू के आप देखते हैं, यहां से खड़े होकर तो आपको पूरा प्लेन एरिया दिखाई देता है आगे आगे की तरफ। तो इसको बोलते हैं अपन एस्कार्पमेंट रीजन ठीक। फर्दर आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेजर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स, रिफ्ट वैली एंड ब्लॉक माउंटेन्स। अब देखो जो मैं समझा रहा हूं केवल वहीं तक पहुंचना ठीक है, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स कैसे डेवलप होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया आपका क्या, एक रॉक ब्लॉक हो गया ठीक, या लिथोस्फेरिक ब्लॉक हो गया ठीक है, जिस पर टेंशनल फोर्स लग रहा है। तो पहली कंडीशन क्या है, जिस पर टेंशनल फोर्स लग रहा है ठीक, और इसमें रॉक ब्लॉक्स का मूवमेंट डाउनवर्ड होगा, देखते हैं अपन। तो इस टेंशनल फोर्स की वजह से भाई क्या हुआ है, यहां पर चेंजेस आए हैं, यहां पर क्रैक्स आ गए हैं। क्या आ गए हैं, क्रैक्स ठीक। टेंशनल फोर्स की वजह से क्या आ गए हैं, क्रैक्स डेवलप हो गए हैं। अब ये क्रैक्स डेवलप जो हुए हैं, समय के साथ धीरे धीरे क्या होगा, एक ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा। देखो कैसे, ठीक है बताता हूं मैं आपको। तो यहां से ये जो ब्लॉक है इतना रह गया, यहां से ये ब्लॉक इतना हो गया, और बीच वाला ब्लॉक जो है वो कहाँ चला गया, नीचे की तरफ बैठ गया। तो ये अपना हैंगिंग वॉल हो गई, ये अपना फुट वॉल हो गया, और ये अपना फुट वॉल हो गया ठीक। तो देखो अगर एक लिथोस्फेरिक ब्लॉक में दरारें या फॉल्ट डेवलप होते हैं, और इन फॉल्ट के अलॉन्ग है ना, फॉल्ट के अलॉन्ग जो मिडिल पोर्शन होता है ना, इन फोल्ड दो फॉल्ट प्लेन के बीच वाला मिडिल पोर्शन अगर बैठ जाता है तो जो वैली बनती है उसको बोलते हैं अपन रिफ्ट वैली। समझ में आई बात। तो देखो ये नीचे वाला पोर्शन में डाउनफोल्ड हो रहा है, ऐसी बात है, और यहां पर टेंशनल फोर्स एक्ट कर रहा है। तो रिफ्ट वैली के समय पर जो फॉल्ट बनते हैं वो बनते हैं नॉर्मल फॉल्ट। समझ में आई बात, क्या बनते हैं, नॉर्मल फॉल्ट। क्योंकि नॉर्मल फॉल्ट क्या होते हैं अपन थोड़ी देर पहले देख चुके हैं ठीक है। तो नॉर्मल फॉल्ट वो फॉल्ट होते हैं जहां पर टेंशनल फोर्स काम करता है और रॉक ब्लॉक का डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, मतलब हैंगिंग वॉल नीचे की तरफ बैठता है, और ये अपना फुट वॉल जो है वो स्टेबल रह गया। क्या रह गया है, स्टेबल ठीक, ये भी स्टेबल रह गया है, क्लियर है। तो ये जो आसपास स्टेबल ब्लॉक्स हैं इनको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन ठीक, इसको भी बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। और ये जो बीच वाला पोर्शन नीचे बैठ गया उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली, ध्यान रखिएगा। तो रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन साथ में क्रिएट होते हैं ठीक, क्लियर है। और इसमें पूरे मैकेनिज्म क्या है कि भैया इसमें जो है आपका टेंशनल फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल फॉल्ट डेवलप हो रहे हैं, और ब्लॉक के सबसाइड हो रहा है, बीच वाला ब्लॉक दो फॉल्ट प्लेन के बीच वाला ब्लॉक सबसाइड हो रहा है, नीचे की ओर बैठ रहा है ठीक। तो क्या बनेगा आपका, रिफ्ट वैली। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक। तो देखो सिंपल क्वेश्चन क्या पूछता है कि रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन में किस प्रकार का फॉल्ट काम करता है, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट, ट्रांसकरेंट फॉल्ट ठीक है, या स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट ठीक। तो ये आपने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, तो जाहिर सी बात है रिफ्ट वैली के फॉर्मेशन में नॉर्मल फॉल्ट काम करेगा, नॉर्मल फॉल्ट बनेगा ठीक है, क्योंकि यहां पर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, और डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तभी रिफ्ट वैली बनेगी। अगर इन ब्लॉक्स का अपवर्ड मूवमेंट हो गया कंप्रेशन के टाइम पर, तो फिर ब्लॉक रिफ्ट वैली नहीं बनेगी। तो देखो क्या बनता है, तो ये कंडीशन आ गई अपनी ब्लॉक ब्लॉक सॉरी रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स की। तो फटाफट देखते हैं अपन ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली क्या होते हैं, देखो फटाफट। तो ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड बिकॉज ऑफ फॉल्टिंग ऑन ए लार्ज स्केल। ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म्स व्हेन द मिडिल पोर्शन, मिडिल ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड एंड बिकम्स रिफ्ट वैली। तो देखो ये वैली है पूरी, बीच वाला पोर्शन बैठ गया नीचे की तरफ ठीक, तो ये क्या बन गया आपका, रिफ्ट वैली ठीक। और आसपास जो फॉल्टेड ब्लॉक या ब्लॉक खड़े रह गए, क्रिस्टल ब्लॉक्स खड़े रह गए, उनको अपन बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन्स ठीक, समझना बात को। तो ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म्स विद द मिडिल ब्लॉक मूव्स डाउनवर्ड एंड बिकम्स रिफ्ट वैली, व्हाइल द सराउंडिंग ब्लॉक्स स्टैंडिंग हाइयर एज ब्लॉक माउंटेन्स ठीक। तो टेंशन और कॉजेज द सेंट्रल पोर्शन टू
टू बी लेट डाउन बिटवीन टू एडजेसेंट फॉल्ट ब्लॉक्स। तो यहाँ पर टेंशनल फोर्स काम कर रहा है, नॉर्मल फॉल्ट डेवलप हो रहे हैं ठीक बिटवीन टू एडजेसेंट फॉल्ट ब्लॉक्स फॉर्मिंग अ ग्रेबन और रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली का एक और नाम है, इसको अपन ग्रेबन बोलते हैं जर्मन भाषा में, ध्यान रखिएगा। तो विच विल हैव अ स्टीप वॉल, ठीक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम इज द बेस्ट एग्जाम्पल ठीक है। और इंडिया में भी कई एग्जाम्पल हैं भाई, अपन नर्मदा घाटी जो है उसका भी एग्जाम्पल लूंगा कि देखो अपन देखेंगे अभी नर्मदा की जो वैली है ठीक है वो एक रिफ्ट वैली है एक्चुअली ठीक। और उसके आसपास जो ब्लॉक माउंटेन्स अपने को देखते हैं, एक तरफ अपना सतपुड़ा होता है नीचे की तरफ और ऊपर विंध्यन पर्वत जो है वो ब्लॉक माउंटेन्स की तरह काम करते हैं ठीक। कुछ किताबों में रेसिजुअल माउंटेन्स भी हैं, तो उनको एज के आधार पर अपन, चूंकि बहुत पुराने माउंटेन्स, अपन एज के आधार पर उनको रेसिजुअल माउंटेन्स बोल सकते हैं, पुराने माउंटेन्स या ओल्ड माउंटेन्स बोल सकते हैं। पर जो मैकेनिज्म जिससे जिस प्रकार से उनके बीच में एक रिफ्ट वैली डेवलप हुई है, तो बीच में रिफ्ट वैली के डेवलप होने से वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक माउंटेन्स की संज्ञा उनको मिल जाती है। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, तो ब्लॉक माउंटेन्स भी कहलाते हैं कौन से, अपने सतपुड़ा और विंध्या ठीक, ध्यान रखिएगा। तो बीच में नर्मदा की वैली बह रही है ठीक है। चलो अब देखते हैं फटाफट आगे। अब देखो नर्मदा जो की वैली जो है वो एग्जाम्पल किसका है, रिफ्ट वैली का है। अब देखो एक बात समझना, बिल्कुल ये पॉसिबल होता है कि मान लीजिए ये अपने दो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक्स खड़े रह गए हैं बीच में, बीच वाला रिफ्ट वैली बन गई है ठीक है, ये ब्लॉक हो गया एक ठीक। तो यहाँ पर एक तरीके से क्या है, दरार है, अगर अपन अंदर जमीन में देखेंगे तो दो ब्लॉक्स खड़े रह गए हैं ठीक, क्लियर है। बीच में क्या बन गया है, रिफ्ट वैली डेवलप हो गई है क्योंकि बीच वाला ब्लॉक डाउनफोल्ड हो गया है। अब देखो बिल्कुल इट माइट बी पॉसिबल कि ये जो ब्लॉक्स है नॉर्मली इनका स्लोप क्या है, एक तरफ है, समझ में आई बात, ये जो ब्लॉक्स है इनका स्लोप क्या है, एक तरफ ठीक, बिल्कुल पॉसिबल है। तो एक जमाने में जब ये वाली जो वो थी क्या पोर्शन था, जब ये इन दोनों से ऊपर समान था तो स्लोप क्या है, सेम डायरेक्शन में था। लेकिन जो रिफ्ट बनी है ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उसका स्लोप जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में हो सकता है, समझ में बात। तो ध्यान रखिए यही नर्मदा के साथ केस हुआ है। तो अगर अपन बात करते हैं ये सतपुड़ा, ये सॉरी ये क्या हो गया अपना विंध्य रेंज और ये क्या हो गया अपना सतपुड़ा रेंज, तो इसके नॉर्मली पूरे मध्य प्रदेश का जो ढाल है ना, एमपी का जो स्लोप है वो किस तरफ है, ईस्ट की तरफ है और नॉर्थ ईस्ट की तरफ है ठीक। लेकिन नर्मदा वैली का जो ढाल है या स्लोप है वो वेस्ट की तरफ है। इट इज बिकॉज कि जिस रिफ्ट में नर्मदा वैली, नर्मदा रिवर बह रही है, नर्मदा रिवर ने एक्चुअली रिफ्ट को कैप्चर किया है, और जिस भी रिफ्ट में नर्मदा रिवर बह रही है उस रिफ्ट का जो ढाल है या स्लोप है वो किस तरफ है, वेस्ट की तरफ है। तो ये अपन ने कहा ये भाई अपना विंध्या रेंज, ये सतपुड़ा रेंज ठीक, इसके बीच में नर्मदा नदी बह रही है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ठीक। तो इसके बीच में रिफ्ट वैली है, क्योंकि सब्सिडेंस के कारण रिफ्ट वैली बनी है और सब्सिडेंस का स्लोप, सब्सिडेंस के बाद जो स्लोप है वो वेस्ट की तरफ है। लेकिन नॉर्मली मध्य प्रदेश का स्लोप जो है वो नॉर्थ ईस्ट ठीक और ईस्ट की तरफ स्लोप है। ज्यादातर नदियां जो मध्य प्रदेश की हैं वो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की तरफ बहती हैं ठीक। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको ऑल इंडिया लेवल पर भी मिलते हैं ठीक। अफ्रीका की बात करोगे तो रिफ्ट वैली है, नाइल रिवर है, नाइल रिवर नॉर्थ की तरफ बहती है, आप समझ रहे हैं। बाकी उसके आसपास की सारी रिवर जो है वो कहीं ईस्ट बह रही है, कहीं वेस्ट बह रही है ठीक है। लेकिन नाइल रिवर नॉर्थ में जाएगी और मेडिटेरेनियन सी में जाकर मिलेगी ठीक है। अपन देखेंगे तो नाइल रिवर भी क्या है, पूरी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट में बह रही है ठीक। तो रिफ्ट के बेस जो रिफ्ट वैली है उसका स्लोप कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आसपास के पूरे रीजन के हिसाब से उसका स्लोप डिफाइन हो ठीक है। तो ध्यान रखिए यही कारण है कि नर्मदा रिवर इज अ वेस्ट फ्लोइंग रिवर। अब भाई क्वेश्चन परीक्षा में कई बार आता है कि वाई नर्मदा रिवर फ्लोज वेस्ट वाइल ऑल अदर, तो जनरल फ्लो ऑफ पेनिनसुलर इंडिया क्या है, ईस्टवर्ड है। आप देखो जितनी भी महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, जितनी भी नदियां हैं ये सब ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना, लेकिन नर्मदा और ताप्ती जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो इसका आंसर क्या है, उत्तर क्या है, सबसे बड़ी चीज, दे आर वेस्ट फ्लोइंग बिकॉज दे फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली है ना, एंड द स्लोप ऑफ द रिफ्ट वैली, इन द जनरल स्लोप ऑफ रिफ्ट वैली इज वेस्टवर्ड टुवर्ड्स अरेबियन सी। रिफ्ट वैली का स्लोप जो है वो वेस्टवर्ड है, ध्यान रखिएगा, बता चुका हूँ आपको ठीक। और जो बाकी जो जनरल स्लोप है पूरे पेनिनसुलर इंडिया का या पेनिनसुलर प्लेट्यू का वो किस तरफ है, ईस्टवर्ड स्लोप है ठीक है। वेस्टर्न घाट से आप लगा लो सारी नदियां ईस्टवर्ड बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती नदी जो है वो वेस्टवर्ड बहती है। इंडियन ज्योग्राफी में आपको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको, नॉट राइट हियर, यहाँ पे केवल समझा रहा हूँ भाई रिफ्ट वैली क्या होती है। तो ये आपको याद रखना है, वहां पर मैं समझा नहीं पाऊंगा इतना डिटेल में कि रिफ्ट वैली क्या होती है, वहां पर केवल इतना बोलूंगा कि भैया वाला लेक्चर देख लो, लेक्चर नंबर 10 का पार्ट 2 आप देख सकते हो ठीक। चलो तो ये ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली का कंसेप्ट अपने को समझ में आया है कि किस प्रकार से ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली काम करती हैं और किस प्रकार से ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली डेवलप होते हैं ठीक। अब देखो तो इसी ऐसे ही अब क्या होता है, रैंप वैली
ठीक है, और हॉर्स माउंटेन डेवलप होते हैं, ठीक है। तो रैम्प वैली और हॉर्स माउंटेन कैसे काम करते हैं फटाफट देख लो। अब देखो, अब यहां पर क्या हो गया, आपके पास फिर से एक ब्लॉक है, ठीक, एक लिथोस्फेरिक ब्लॉक है। अब लेकिन यहां पर क्या है, कंप्रेसिव फोर्स काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है, कंप्रेशन फोर्स ऑफ कंप्रेशन काम कर रहा है। ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली केस में टेंशनल फोर्स काम करता है, और रैंप वैली और हॉर्स माउंटेन के केस में फोर्स ऑफ कंप्रेशन काम करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस पहला है ना। और फोर्स ऑफ कंप्रेशन जब लगता है तो जो फॉल्ट डेवलप होते हैं उन्हें अपन भैया क्या बोलते हैं, जिस प्रकार से फॉल्ट डेवलप हुए हैं उन्हें हम बोलेंगे रिवर्स फॉल्ट। क्या बोलते हैं, रिवर्स फॉल्ट। रिवर्स फॉल्ट डेवलप होते हैं, और रिवर्स फॉल्ट के कारण कंप्रेसिव फोर्स जब बढ़ता जाता है तो ये जो ब्लॉक्स हैं है ना, इस फॉल्ट के अलोंग, ये फॉल्ट प्लेन के अलोंग मूवमेंट होगा, और ये ब्लॉक क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ये वाला ब्लॉक भी क्या होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। क्लियर है? तो ये जो पोर्शन है, कौन सा वाला, बीच वाला पोर्शन, ये अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा भाई, ध्यान रखिएगा, ये अपनी जगह पे स्टेबल रहेगा। और अपने को ऐसा लगेगा कि बीच वाला पोर्शन नीचे गिर रहा है ना, पर ऐसा नहीं होगा। देखो, अब यहां पर ये कंडीशन बनती है कि ये इस प्रकार से आपके आसपास के ब्लॉक्स जो है वो ऊपर की ओर बढ़ गए हैं और बीच वाला पोर्शन स्टेबल रह गया है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, यहां पर फुटवॉल क्या है, बीच वाला पोर्शन है, और ये क्या है, हैंगिंग वॉल है। समझना बात को। तो केवल अंतर रिफ्ट वैली और रैम वैली में क्या है, हैंगिंग वॉल और फुटवॉल का। ठीक, रिफ्ट वैली में फुटवॉल जो है वो स्टेबल रहता है, आसपास का आसपास फुटवॉल होता है, और बीच वाला हैंगिंग वॉल डाउनवर्ड मूव करता है, तो रिफ्ट वैली बनता है। लेकिन अगर फुटबॉल जो है वो स्टेबल है और आसपास का हैंगिंग वॉल ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स अगर ऊपर मूव कर रहा है, तो इस समय जो बनेगी उसको बोलते हैं रैम्प वैली। क्या बोलते हैं, रैम्प वैली। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्ट वैली एंड रैम्प वैली। ध्यान रखिएगा, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिफ्ट वैली एंड रैम्प वैली। क्लियर है भाई? मेरे ख्याल से आवाज तो आ रही होगी, वॉल्यूम तो फुल है यार। थोड़ी देर बाद मैंने मैसेज देखा आपका, आई एम सॉरी, है ना कविता, यदि आवाज आ रही हो तो मुझे आप बोल दो कि हाँ आ रही है सर आवाज, क्योंकि तो मैं पर्याप्त रूप से चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ और यहाँ पर मेरा वॉल्यूम फुल है। ठीक, अगर आपको वॉल्यूम कम आ रहा है तो हो सकता है कल मैं कुछ उसमें और अपग्रेड कर सकूँ, पर अभी लाइव क्लास के बीच में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ पढ़ाने के अलावा। ठीक है, चलिए, तो ये भाई समझ में आया, रैम वैली रिफ्ट वैली में अंतर। ठीक है, तो इसमें हैंगिंग वॉल और फुटवॉल दोनों का अंतर है। क्लियर है? तो देखो, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रह्मपुत्र वैली। क्या है, ब्रह्मपुत्र वैली। ब्रह्मपुत्र नदी आपने देखी है, तो जब असम से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पूरे कहाँ से, हिमालय से निकलकर असम में घुसती है, ठीक है, और फिर बांग्लादेश निकल जाती है। ठीक है, तो जब तक वो असम में बहती है, तो असम के दोनों तरफ माउंटेन्स है। जब भी असम प्लेन्स में बहती है ना, असम के रीजन में, ठीक, असम के रीजन में माउंटेन ट्रैक से बहती हुई फिर प्लेन्स में आती है। ठीक है, तो असम में जब बहती है ब्रह्मपुत्र रिवर, तो ब्रह्मपुत्र की जो वैली है असम के बीच में, असम माउंटेन्स के बीच में, यहाँ पर हिमालयाज है ना, ध्यान रखिएगा, तो दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, किसके, नर्मदा ब्रह्मपुत्र वैली के। और इस कंडीशन में क्या हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र वैली जब असम में बह रही है, तो इस कंडीशन में आसपास के माउंटेन्स क्या हो रहे हैं, राइज हो रहे हैं, आसपास के माउंटेन्स राइज हो रहे हैं, लेकिन बीच वाली वैली वहीं के वहीं है। क्लियर है? तो असम में जो अपनी, थैंक यू कविता, हाँ ठीक है, आवाज आ रही है, तो असम में जो ब्रह्मपुत्र वैली है, क्लियर है, समझना, तो ये डिफरेंट है नर्मदा वैली से। नर्मदा वैली रिफ्ट वैली है, लेकिन ब्रह्मपुत्र की असम वैली जो है वो रैंप वैली है। क्लियर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंप वैली। ठीक, तो रैंप वैली में क्या होता है, आसपास के ब्लॉक्स जो होते हैं, माउंटेन्स जो होते हैं, ठीक है, वो ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ठीक, और बीच का पोर्शन स्टेबल रहता है, बीच का पोर्शन फुटवॉल होता है, तो उसमें रैम्प वैली डेवलप होती है। और अगर आसपास के ब्लॉक्स स्टेबल हैं और बीच वाला पोर्शन नीचे बैठ गया, तो उसे हम बोलेंगे क्या, रिफ्ट वैली। ठीक, और रिफ्ट वैली के साइड्स या रिफ्ट वैली का अकंपनी हमेशा क्या करते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो डाउनवर्ड मूवमेंट से बन रहे हैं। और रैम्प वैली के साथ हमेशा जो माउंटेन्स होते हैं उनको हॉर्स्ट माउंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हॉर्स्ट माउंटेन्स। क्लियर है, हॉर्स्ट माउंटेन्स। तो ध्यान रखिएगा भैया, डिफरेंस क्या है, रिफ्ट वैली और रैम वैली में बहुत ही नाजुक डिफरेंस है, डेलिकेट डिफरेंस है, पर आपको समझ में आना चाहिए कि अगर अपन जब एक लिथोस्फेरिक ब्लॉक ले रहे हैं और बीच का ब्लॉक क्या हो, सेटल हो रहा है नीचे की तरफ, तो इस कंडीशन में जो वैली बनेगी, ठीक, ये बीच में जो हैंगिंग वॉल है, हैंगिंग वॉल दो अपने प्लेन्स, फॉल्ट प्लेन्स के बीच में अगर हैंगिंग वॉल है और वो डाउन साइड जा रहा है और यहाँ पे टेंशनल फोर्स एक्ट कर रहा है, नॉर्मल फॉल्ट बन रहा है,
तो इस पूरी कंडीशन में रिफ्ट वैली बनेगी और यहां पर जो ब्लॉक माउंटेन्स आसपास जो माउंटेन्स बनेंगे वो ब्लॉक माउंटेन्स बने, ठीक, रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स, ठीक। सेम कंडीशन देखो, देखने में आपको सेम लगेगा, समझ में आई बात, लेकिन अगर बीच का पोर्शन स्टेबल है और आसपास के ब्लॉक्स क्या हैं, बढ़ रहे हैं फॉल्ट प्लेन के अलोंग, ठीक, बीच का पोर्शन क्या हो गया, ये फुटवॉल हो गया, आसपास का क्या हो गया, हैंगिंग वॉल हो गया, ठीक, तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, रैंप वैली बनेगी, इस कंडीशन में कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, ठीक है, और रिवर्स फॉल्ट बनेगा। क्लियर है, ये पूरा अंतर अपने को समझ में आना चाहिए। ताप्ती रिवर भाई, ताप्ती रिवर भी रिफ्ट वैली में फ्लो करती है, ध्यान रखिएगा आप, नीचे और माउंटेन्स हैं, ठीक है, अजंता के अपने रेंजेस हैं वहां पर, ठीक, खानदेश के रीजन में, और ताप्ती रिवर के नॉर्थ में सतपुड़ा रेंज है, तो इन दोनों के बीच में एक बहुत लंबी रिफ्ट वैली डेवलप हुई है और ये रिफ्ट वैली में ताप्ती रिवर बहती है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स अपन इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अगर बिता, ठीक है, क्योंकि तो अभी अगर मैं इनको बीच में ले आऊंगा तो यहां पर कंसेप्ट डेवलप थोड़ा सा नहीं होगा, ठीक। और ज्योग्राफी में देखिए, ज्योग्राफी की मैं आपको एक खूबसूरती बताऊं जो बच्चों को पसंद नहीं आती, वो ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम ज्योग्राफी पढ़ते हैं, है ना, तो आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है, क्लियर है। जैसे कि ये वाला लेक्चर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो पहली बार पढ़ाने में मुझे लगभग 1 से 2 घंटे लगेंगे पूरे कंसेप्ट क्लियर करने में, लेकिन ये एक बार कंसेप्ट पूरे क्लियर हो गए आपके, तो सेकेंड टाइम जब भी आप पढ़ेंगे इस लेक्चर को, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे। कितने मिनट लगेंगे, 10 से 15 मिनट, ठीक। इसलिए बहुत सारी किताबों में क्या होता है ना, हम देखते हैं कि सर फोल्डिंग और फोल्डिंग तो आपने 2 लेक्चर में पढ़ाई है ना भाई, अपन किताब देख रहे हैं उसमें तो एक ही पेज में खत्म कर दिया है। उसका कारण यही है ना, कि अगर आप एक पहली बार जब समझ के पढ़ेंगे तो आपको समय लगेगा, लेकिन जब भी दूसरी बार पढ़ेंगे आपका 10 मिनट में पूरा फोल्डिंग एंड फोल्डिंग खत्म हो जाएगा, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें मैटर करती है, फर्स्ट टाइम स्टडी मैटर करती है, फर्स्ट टाइम अच्छे से स्टडी मैटर करती है, क्लियर है। एक बार पढ़ो, अच्छा पढ़ो, काम खत्म जीवन भर का, है ना। ज्योग्राफी के जो दर्द है, ज्योग्राफी के दर्द का अंत तुरंत, ठीक, ध्यान रखिएगा। और ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आपने इसको कंसेप्चुअली क्लियर नहीं करा है तो ये आपको बहुत परेशान करने वाला है, क्लियर है, बहुत परेशान करेगा। आपको समझ में नहीं आएगा सर मेंस में लिखे क्या। अब देखो सीधी सी बात है कि अपन जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं ये अपना बेसिकली मेंस का फंडा है, और इसके साथ साथ अपन प्री की पूरी चीजें क्लियर कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। तो समझ लेना बात को, कि मेंस के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, पर साथ साथ प्री भी आपको पूरा कवर अप करता हुआ चल रहा हूं, ठीक है। और जब क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा स्पेशल लेक्चर्स में, तो वहां पर मैं सारे प्रीलिम्स के फैक्ट्स और सारे डाउट्स साथ साथ क्लियर करता जाऊंगा, ठीक है। तो जो फॉलो कर रहा है भाई प्लीज वो दिल से फॉलो करें, मैं गारंटी देता हूं कि ज्योग्राफी में आपको समस्या नहीं होगी जीवन में कभी भी, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, इट विल टेक सम टाइम, और बिल्कुल अपन बहुत अच्छे से ज्योग्राफी करेंगे, ठीक। चलिए, तो ये रैंप वैली और रिफ्ट वैली में मैंने आपको अंतर बताया, ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। तो रैंप वैलीज आर फॉर्म्ड व्हेन द मिडिल पोर्शन बिटवीन टू फॉल्ट प्लेन्स रिमेन्स एट इट्स प्लेस, बट ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स द टू साइड रॉक ब्लॉक्स राइजेस अपवर्ड। समझ में बात, राइज कर जाते हैं अपवर्ड। ये सिंपल रूप से आपको एग्जाम में ऐसा का ऐसा लिखना है, ठीक, नो इश्यूज एट ऑल, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है भैया इसका, ब्रह्मपुत्र वैली। तो ब्रह्मपुत्र वैली के आसपास के दोनों माउंटेन्स जो हैं, एक तरफ अपने जो दोनों तरफ क्या है, माउंटेन्स हैं, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, हिमालयस भी एक तरफ, तो ये दोनों तरफ क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स कर रहा है, ठीक। तो सिमिलर प्रोसेस वर्क्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हॉस्ट माउंटेन्स, ठीक है। तो व्हेन द टू साइड ब्लॉक्स ऑफ फॉल्ट रिमेन्स एट देयर पोजिशन एंड द मिडिल पोर्शन राइजेस अलॉन्ग द फॉल्ट प्लेन ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स द रिजल्ट इज हॉस्ट माउंटेन। तो देखो अगर हॉस्ट माउंटेन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक, तो यहां पर भी क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, ठीक। तो अपवर्ड मूवमेंट से हॉर्स माउंटेन्स बनते हैं, ठीक। और ये अगर अगर आप सिंगल ले लो, है ना, एक पॉइंट ले लो कहां पर, केवल ये वाले इस तरफ, तो अपवर्ड मूवमेंट से ही ये हॉर्स माउंटेन बन रहा है, ठीक, केवल एक साइड का फेस आप देख रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो एग्जाम्पल हॉर्स माउंटेन जो है वो हार्स माउंटेन जो जर्मनी है उसी के नाम पर रखा गया है, ठीक। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, हार्स माउंटेन जर्मनी, क्लियर है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक, ठीक। क्लैरिटी में अपन सारी चीजें पढ़ चुके हैं, और कौन कौन से लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विद फॉल्ट्स, एग्जाम में पूछा गया सवाल क्वेश्चन मेंस में कि भाई कौन कौन से लैंडफॉर्म्स जो है वो फॉल्ट से जुड़े हुए होते हैं या फॉल्ट से रिलेटेड होते हैं। तो सबसे बेसिकली क्या है, फॉल्ट एस्कार्पमेंट, और यही फॉल्ट एस्कार्पमेंट मेजर जगहों पर वाटरफॉल बनाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ऐसे बहुत सारी नदियां जो वाटरफॉल बनाती हैं वो एक्चुअली क्या होती है, एस्कार्पमेंट पर सडनली ब्रेक होती है, ठीक, क्लियर है, ध्यान रखना। तो रिफ्ट वैली रैम्प वैली समझ में आया अपने को, दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ में आना चाहिए, ठीक।
ब्लॉक माउंटेन, हॉर्स माउंटेन, समझ में आया आपने को? दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझ में आना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलता हूँ रिफ्ट वैली, रैम वैली में अंतर क्या है, तो आपके पास आंसर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई अपन को सर पता नहीं, दोनों चीजें कंडीशन आपने कर, मैंने क्लैरिटी में बिल्कुल क्लियरली समझाया कि रिफ्ट वैली रैम वैली में क्या अंतर होता है। ठीक है, चलो नॉर्मली जो है जो मेंस में पूछे जाते हैं भैया है क्वेश्चन, ठीक है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। मैंने आपको बताया ज्योग्राफी की खूबसूरती ये है कि जब आप पहली बार पढ़ते हैं एकदम जीरो से पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा समय लगता है फर्स्ट टाइम पढ़ने में, लेकिन जैसे ही आप सेकेंड टाइम रिवाइज करते हैं, ठीक, इट विल टेक ओनली 10 मिनट्स टू रिवाइज द होल लेक्चर या होल ज्योग्राफी। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अपन ने पिछले 2 लेक्चर्स में जो पढ़ा है वो किस प्रकार अपन 5 मिनट में रिवाइज कर सकते हैं पूरा। ठीक, तो फॉर एग्जाम्पल अपन ने स्टार्ट किया था एंडोजेनेटिक फोर्सेस से, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस और एक्सोजेनेटिक फोर्सेस दो फोर्सेस हैं जो पृथ्वी के अंदर से काम कर रहे हैं वो एंडो फोर्सेस हो गए, एंडोजेनेटिक फोर्सेस हो गए, ठीक, और जो पृथ्वी के बाहर से काम कर रहे हैं वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हो गए। क्लियर, सिंपल चीजें। एंडोजेनेटिक फोर्सेस क्या है, ये इनको बोलते हैं पटल विरूपणी बल। पटल विरूपणी मतलब ये सरफेस पर क्रिएशन कर रहे हैं, तो इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी बोलते हैं। और जो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं जो कि डिनुडेशन है, इरोजन है, वेदरिंग है, इनको डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस बनते हैं। ये दोनों फोर्सेस आपस में लड़ रहे हैं, ठीक, और ये दोनों फोर्सेस क्या कर रहे हैं, अर्थ सर्फेस पर चेंज लेके आ रहे हैं। ठीक है, फिर अपन ने एंडो, चूंकि अपन यहां पर एंडोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ने बैठे हैं, तो एंडो में अपन ने देखा कि भाई एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट में, एक होता है डायस्ट्रोफिक मूवमेंट और एक होता है कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो एंडोजेनेटिक फोर्सेस डायस्ट्रोफिक कैटास्ट्रोफिक, डायस्ट्रोफिक मतलब बहुत धीरे काम करने वाले बल, जिनका जो परिणाम है, जिनका रिजल्ट है वो हमें कई हजार साल बाद या 500 साल बाद या मतलब कई सालों बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो उनको बोलते हैं अपन डायस्ट्रोफिक फोर्स। तो डायस्ट्रोफिक फोर्स में अपन ने प्लेट टेक्टोनिक पढ़ा है भैया, डायस्ट्रोफिक फोर्सेस समझने के लिए। तो प्लेट टेक्टोनिक क्या करता है, धीरे धीरे काम करता है ना, एक एक प्लेट टकरा रही है, एक प्लेट क्या कर रही है, सबडक्ट कर रही है, तो यहाँ पर माउंटेन्स डेवलप होंगे। पर ये माउंटेन्स ऐसा नहीं कि आप सुबह उठे और आपको माउंटेन मिल गए, नहीं, और 15 दिन में भी नहीं मिलेंगे आपको, तो ये हजारों साल तक काम चलेगा तब जाके मिलेंगे। तो ये फोर्सेस बहुत धीरे काम करते हैं। ऐसे ही कैटास्ट्रोफिक फोर्सेज या मूवमेंट्स होते हैं सडन मूवमेंट्स, ठीक, जो आप सुबह उठोगे और आपको फर्क दिख जाएगा सर्फेस पर, तो ये होते हैं अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज। ठीक, तो देखो इन लेक्चर्स में हम ये वाला पोर्शन जो है क्लासिफिकेशन का, ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो डायस्ट्रोफिक मूवमेंट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट। तो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एपेरोजेनेटिक मूवमेंट्स। ठीक, और ये क्या होते हैं, इमर्जेंस और सबमर्जेंस। इससे क्या होता है, बेसिकली अगर कोई प्लेट थोड़ी सी ऊपर उठ गई तो समुद्र के अंदर से बहुत सारा लैंड एरिया बाहर आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे ही कोई प्लेट थोड़ी सी नीचे बैठ गई बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटीज तो उसको बोलते हैं सबमर्जेंस, और पूरा जो पानी का सरफेस है वो बहुत ऊपर जाएगा। मान लीजिए पेनिनसुलर इंडिया है अपना, तो पेनिनसुलर इंडिया या इंडियन प्लेट में अगर कुछ हलचल होती है और थोड़ा सा प्लेट नीचे की तरफ बैठ गई, थोड़ी सी भी बैठ गई, तो आसपास के बहुत सारे रीजन जो हैं वेस्टर्न घाट्स तक पूरा डूब जाएगा, मुंबई मुंबई सब डूब जाएगा बिल्कुल। तो कोस्टल रीजन इसलिए बहुत क्या होते हैं, थोड़े से वल्नरेबल होते हैं। ठीक है, समझिएगा बात को। तो यहाँ पर अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जब होता है तो उसको अपन इमरजेंस और सबमर्जेंस बोलते हैं, है ना, और इन मूवमेंट्स को बोलते हैं एपेरोजेनेटिक मूवमेंट्स या एपेरोजेनेटिक फोर्सेस। ऐसे होते हैं ओरोजेनेटिक फोर्सेस जहां पर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स होते हैं। ठीक, और इन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स में 2 प्रकार के मूवमेंट हैं, एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे के अवे। तो ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स, ये हो गया टेंशनल फोर्स। ये दोनों फोर्स अपन ने पढ़े हैं अभी, और इनके रिजल्टेंट में, कंप्रेसिव फोर्स के रिजल्टेंट में फोल्डिंग होता है और रैपिंग वार्पिंग होता है, और टेंशनल फोर्स का जो मूवमेंट होता है उसमें क्रैकिंग और फॉल्टिंग होता है। और ये दोनों चीजों से अपन सारी चीज पढ़ चुके हैं कि इन दोनों के परिणाम स्वरूप क्या क्या होता है। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। कोई भी डाउट है तो कृपया थोड़ा सा रिवर्स करके देखेंगे जब लाइव लेक्चर खत्म हो जाएगा। ठीक, और फर्दर फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे आप बिल्कुल बिंदास तरीके से मैसेज कर सकते हैं, जो कि अपना टेलीग्राम ग्रुप है। क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आगे। तो ये सारे अपन ने फोल्डिंग देखा है कि भाई क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट्स यानी कि एपरियोडिक मूवमेंट्स क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स क्या होते हैं, ये भी हमने देखा है, उसका परिणाम रिजल्ट क्या होता है। ठीक, फिर उसके बाद फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग क्या होता है उसमें भी देखा अपन ने, फोल्डिंग देखा है, फोल्डिंग के प्रकार देखे हैं, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन क्या होते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फोल्ड देखे हैं, तो है ना। तो ये इनकी सारे डेफिनेशंस भी मैंने आपको ये राइट अप में दे दूंगा कि फोल्ड क्या होता है, एंटीक्लाइन क्या होता है, सिंक्लाइन क्या होता है ना, एक्सियल प्लेन क्या होता है, फिर एक्सिस ऑफ फोल्ड क्या होता है, प्लंज प्लंज लाइन क्या होता है, ठीक, हिंज लाइन क्या होता है, लिम्ब्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक,
स्ट्राइक क्या होता है, डिप एंगल क्या होता है, डिप एंड स्ट्राइक क्या होता है, ठीक है, वी हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल दोस थिंग्स, ठीक। फिर टाइप्स ऑफ फोल्ड में अपन ने बहुत सारे फोल्ड देखे हैं, सिमेट्रिक फोल्ड, एसिमेट्रिक फोल्ड, ठीक, मोनोक्लाइनल, आइसोक्लाइनल, रिकम्बेंट, ओवरथ्रस्ट, एंटीक्लाइनोरियम एंड सिंक्लाइनोरियम। तो ये सारे फोल्ड्स है ना विथ राइट अप आपके सामने है, ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक। फिर फोल्ड माउंटेन्स, तो किस किस प्रकार के फोल्ड माउंटेन्स वर्ल्ड पे अपने को देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऐसे ही फॉल्ट अपन ने आज देखे हैं, ठीक है। तो जॉइंट, फॉल्ट और फ्रैक्चर में क्या अंतर होता है, या क्रैक, क्रैक, जॉइंट और फॉल्ट में क्या अंतर होता है, तीनों में समझना, बहुत माइन्यूट सा अंतर होता है जो मैं आपको अगेन बता चुका हूँ, क्लियर है। फर्दर आगे देखते हैं अपन कि भाई सैन एंड्रियास फॉल्ट, टाइप्स ऑफ फॉल्ट, नॉर्मल फॉल्ट, रिवर्स फॉल्ट और स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट या ट्रांसपेरेंट फॉल्ट, ये भी अपन पढ़ चुके हैं, ठीक। और इन फॉल्ट्स के रिजल्टेंट जो है कौन कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, क्योंकि फोल्डिंग जब होता है तो फोल्डिंग के रिजल्टेंट लैंडफॉर्म जो डेवलप होते हैं वो तो केवल फोल्ड माउंटेन्स ही है ना, उसके अलावा ज्यादा कुछ डेवलप नहीं होता है, ठीक। उन फोल्ड माउंटेन्स के बीच में बहुत कॉम्प्लेक्स वैलीज वगैरह डेवलप होती है, ठीक है, पर फॉल्टिंग के रिजल्ट में, फॉल्टिंग की वजह से क्या होता है ये रिफ्ट वैलीज वगैरह बनती है, ठीक है। तो देखो इनके भी कई जो है एग्जाम्पल्स हैं और इनके भी कहीं, एक मिनट सर, मैंने टेलीग्राम ग्रुप ओपन किया था पर ज्वाइन करना भूल गई थी और आप अब ग्रुप नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं बिल्कुल लिंक नीचे डाल दूंगा अगर बाद में, लेकिन मैं लिंक अभी सामने दिखाऊंगा आपको जब मैं लेक्चर एंड करूंगा, है ना, तो आप चिंता ना करें, तब आप कॉपी कर लीजिएगा या देख लीजिएगा उसको, लिख लीजिएगा लिंक को, ठीक है। तो ये पूरे अपने को सब चीज़ें लिखना है। देखिए जो आपका एग्जाम पूछेगा ना उससे मैं आपको एक किस्सा ही पढ़ा रहा हूँ, किस्सा समझते हैं, मतलब थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो निश्चिंत रहें, मैं जब आपको क्वेश्चन करवाऊंगा या आप उठाकर क्वेश्चन देखिए, जो बहुत सारी बुक्स हैं इनमें क्वेश्चन आते हैं ज्योग्राफी के, जो टॉपिक्स में करवा रहा हूँ आपको, वो टॉपिक्स करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको फर्क समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्या नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्लियर है ना, समझना, ठीक। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली हैं मेरे ख्याल से, है ना, अब मैं डाउट सॉल्व करूंगा। अब देखो ये वाला पोर्शन अपना खत्म हो गया, डायस्ट्रोफिक फोर्सेज अपन ने पढ़ लिए हैं, वर्टिकल मूवमेंट्स भी देख लिए हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स भी देख लिए हैं, फोल्डिंग भी देख लिया है, फोल्डिंग भी देख लिया है। अब हमको कैटास्ट्रोफिक मूवमेंट्स पढ़ने हैं, सडन फोर्सेस पढ़ने हैं, ऐसे फोर्सेस या सडन मूवमेंट्स जो अर्थ पर चेंज लेके आते हैं, वो है अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिज्म। तो नेक्स्ट टू चैप्टर्स या टू लेक्चर जो हैं उनमें अपन अर्थक्वेक्स और वॉल्केनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो नो इश्यूज, आज के लिए इतना पर्याप्त था, ठीक। तो भाई ये अपनी टेलीग्राम चैनल की लिंक है, ठीक, t.me/unacademy_anurag_sharma, ठीक, इस लिंक को कॉपी करिए प्लीज, यहाँ से नहीं, मतलब इस लिंक को टाइप करिएगा, यहाँ से डायरेक्टली लिंक पे नहीं जाएंगे आप, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपका क्या फीडबैक है। साथ ही साथ अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं, सब्सक्रिप्शन करते हैं, तो अगर 10% डिस्काउंट के अगर आप इच्छुक हैं, जो कि ऑब्वियसली रहेंगे ही, तो आप मेरा कोड